خاموشی 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 अच्छा एक सवाल सब सब आप सब डीजल नहीं लाना इधर आप सब लोटे को हराने के लिए तैयार हैं हाथ खड़ा करके बताएं आपने घर घर जाना है डोर टू डोर जाना है उस बात का पैगाम हर घर में देना ये जंग सिर्फ इस हल्के की नहीं है ये इलेक्शन सिर्फ इस हल्के का बाय इलेक्शन नहीं है ये पंजाब का इलेक्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन है आपने नौजवानों और सामने ख्वातीन आपने डोर टू डोर जाना और सबको सबसे पहला पैगाम यह देना है कि जो लोग अपना जमीर बेचते हैं जो वोट आपसे लेते हैं और अपना जमीर बेच के ये चोरों के साथ मिल जाते हैं सारी हल्के के लोगों तो आपने एक पैगाम देना है कि इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है दूसरी चीज ये जो गवर्नमेंट आप सब जानते हैं अमरीकी साजिश के तहत ये चोरों के ऊपर मुसलत किया गया और ये सिर्फ एक तरह इलेक्शन जीत सकते हैं ये सिर्फ इलेक्शन एक तरह जीत सकते हैं क्योंकि सारी आवाम आज इनके खिलाफ है आज आपके साथ है इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं अंपायर साथ मिला के और हमने इनको शिकस्त देनी है इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है मेराज आया सर मैं तब मानूंगा आया सर को जब एक एक पोलिंग स्टेशन से एक एक पोलिंग स्टेशन से आया सर रिजल्ट देगी पुलिस को आईजी राव सरदार आपको मैंने ही लगवाया था मेरा आपके लिए पैगाम है कि मैंने आपको इसलिए लगाया था कि एक ईमानदार और एक वो आईजी है जो कोई गलत काम नहीं करेगा तो मैं आज यहां पैगाम दे रहा हूं आपको सारा पंजाब आपकी तरफ देख रहा है इन 20 इलेक्शंस के अंदर पुलिस का क्या रवैया होता है सारी जिंदगी राव सरदार अगर पुलिस ने गलत काम किया सारी जिंदगी लोग आपको उंगलियां उठाएंगे कि आपने जो आपकी ओथ है जो पुलिस की ओथ है कि आपने कानून के मुताबिक चलना है सारी जिंदगी के ऊपर आपकी रेपुटेशन खराब होगी इसलिए मेरा आप सबसे पहले आपको पैगाम है और इलेक्शन कमीशन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन आपका नाम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन वो जो नून लीग के साथ है आज इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम है कि सारा पाकिस्तान ये 20 बाय इलेक्शंस को देख रहा है जैसे अभी तक आपका रवैया रहा है किसी को आप पे एतमाद नहीं है
लेकिन ये 20 इलेक्शन बाय इलेक्शन फैसला करेगी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या ये कौम इत्मीनान कर सकती है जनरल इलेक्शन में या जो अब तक आपकी रेपुटेशन है। आप बिल्कुल एक जानेदार इलेक्शन कमीशन, किसी को आपके ऊपर इत्मीनान नहीं। और उस्मान मैं वो कप्तान हूं, वाहिद पाकिस्तान का कप्तान जो हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान या हिंदुस्तान का क्रिकेट कप्तान हूं जो हिंदुस्तान में जाके उनके अंपायर के बावजूद जीत के आया। सो यामी एक नाइसर चले पड़े, यहां भी इसके बावजूद कि अंपायर इनके साथ हैं, हमें पता है इनके साथ कौन कौन है। और हमें यह भी पता है कि यहां पैसा भी चल रहा है, लेकिन आपने अपने जज्बे और जुनून से डोर टू डोर जाके अपनी कौम को जगाना, आपने अपनी कौम को जगाना, इन चोरों को मौत नहीं देनी। सारा जोश निकाल देना, मिक्स निकल जाएगी इलेक्शन तक तुम्हारी। इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन पे नौजवानों ने जाके हर पोलिंग स्टेशन संभालना। अच्छा सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये जो अमेरिका के नौकर हैं, अमेरिका के बुद्ध की पूजा करने वाले हैं, क्या पाकिस्तानी कौम इनको शिकस्त देगी? शिकस्त देगी इंशाल्लाह। अंपायरों के बावजूद हमने अमरीकों के गुलामों को, मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को इंशाल्लाह हमने हराना। आखिर में मियां उस्मान, मियां अकरम उस्मान, कोई शक नहीं, डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई। हमें कहते थे कि बड़ी महंगाई है, आज 2 महीने के अंदर इन्होंने वो महंगाई की है जो 3.5 साल में हमने नहीं की। आज मुझे पता है डीजल बड़ा महंगा है, मुझे पता है पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, आटा महंगा है, चावल की कीमत दुगनी हो गई है। और हमें यह भी पता है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाए हैं। हमें यह भी पता है कि जो IMF कहेगा ये करेंगे। इसलिए भी आपने घर घर जाना है, मैं यह जलसा करने आऊंगा, उससे पहले
आपने घर घर जाके सबको तैयार करना है। खातिन आपकी जिम्मेदारी है, डोर टू डोर। हमने इस बारी जो भी ये करेंगे, जो भी करेंगे, इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे और हमेशा के लिए ये चोरों को इस मुल्क से भारत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।